एक साथ कॉम्बिनेशन तैयार करने से किसानों के समय की बचत होती है और मन चाहे रिजल्ट, सिर्फ एक स्प्रे से किसानों को बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी क्रॉप में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक साथ में टॉनिक, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक आप यूज कर पाते हैं और अपनी क्रॉप को बिल्कुल स्वस्थ, हरी भरी, ज़्यादा मात्रा में फ्लावर से बहुत सारे रिजल्ट अपनी क्रॉप में ले पाते हैं। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में लाइव कॉम्बिनेशन आपको तैयार करके दिखाऊंगी बायोआर 303 के साथ में, कौन कौन से फंगिसाइड आप मिला सकते हैं, कौन कौन से फंगिसाइड नहीं मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक आप मिलाएंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगी। दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, या बायोआर 303 को यूज करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, बायोआर 303 जो कि एक 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है, दमन कंपनी का ये आता है और लेमिनेरिया प्लांट एक्सट्रैक्ट ये होता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और प्लांट फैट होता है। ये टॉनिक, कीटनाशक और फर्टिलाइजर तीन तरीके से ये काम करता है। प्राइस की बात की जाए तो 250 ml की बोतल है मेरे पास, जिसपे MRP है ₹950। और जब भी आप परचेज करें दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने में इसको परचेज किया। इसके बेनिफिट की बात की जाए तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि लीफ माइनर कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। लीफ माइनर के साथ साथ थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है और माइट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। सकिंग पेस्ट को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और सबसे अच्छा बेनिफिट कि फ्लावर ज़्यादा मात्रा में आते हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, जिससे कि ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ाता है तो फसल हरी भरी और स्वस्थ रहती है। और इसके स्प्रे के बाद में फसल अन्य पोषक तत्वों का अपटेक भी फसल में बढ़ जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसकी परफेक्ट डोज है 1 से 1.5 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। अगर आप छोटे टैंक से स्प्रे करते हैं, जो 15-20 L का टैंक आता है, तो उसे 15 से 20 ml आप डाल करके मिक्स करके स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए 200 से 250 ml आप यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए जो 250 ml की ये बोतल आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये आप यूज कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट क्रॉप में देखने को मिलता है। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों, 5-6 आपको मैं फंगिसाइड एक साथ कॉम्बिनेशन तैयार करके दिखाऊंगी, ताकि आपको क्लियर मालूम रहे कि कौन कौन से फंगिसाइड आप साथ में मिक्स कर सकते हैं या कौन कौन से फंगिसाइड मिक्स नहीं कर सकते, उसी अनुसार आप अपनी क्रॉप के लिए परचेज करें। तो मैंने ये फंगिसाइड लिए हैं, एंट्राकोल फंगिसाइड है जो कि बायर का आता है, प्रोपिनेब 70% आता है इसमें, WP फॉर्म में आता है, कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होता है और इसकी डोज रहती है 2 g/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में फंगिसाइड्स की नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनके सेपरेट मेरे सभी के वीडियो हैं, इसमें कवर करूँगी तो बहुत लेंथी टॉपिक ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन में मैं तैयार करने वाली हूँ वो है ताकत फंगिसाइड, जिसमें कि कैप्टन 70% और हेक्साकेनाजोल 5% WP फॉर्म में आता है। ये कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड होता है और इसकी डोज होती है 1 से 1.5 g/L के हिसाब से आप घोल तैयार करें। और थर्ड नंबर पे मैकोबान सी फंगिसाइड भी आप ले सकते हैं या साफ फंगिसाइड भी इसकी जगह आप ले सकते हैं, दोनों में टेक्निकल सेम ही आता है। कार्बिंडाजिम मैनकोजेब का ये कॉम्बिनेशन आता है और केवल कार्बिंडाजिम भी आता है उसका आप यूज कर सकते हैं या मैनकोजेब का आप कर सकते हैं, तो ये एक साथ ही पता चल जाएगा अगर कॉम्बिनेशन नहीं फटेगा। इसकी डोज होती है 2 g/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। और नेक्स्ट फंगिसाइड लिया है UPL का कुप्रोफिक्स फंगिसाइड, जिसमें मैनकोजेब 30% और कॉपर सल्फेट 47.15% आता है, कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है। इसकी डोज 2 g/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी थ्रिप्स वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो अगर वायरस का अटैक है आपकी क्रॉप में तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जरूर यूज कर लेना चाहिए। तो इसके साथ में क्या इसका भी कॉम्बिनेशन है या नहीं है, इसका भी जरूर चेक करेंगे। तो इसकी डोज होती है 1 g/10 l पानी में घोल तैयार करना चाहिए, 2 g/20 l।
10 ग्राम प्रति 100 लीटर और 20 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में इसको मिक्स करना चाहिए। तो इन कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले दोस्तों गिलास लिए हैं, गिलास में पानी फिल कर लेते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में मेन जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो है बायोआर 303, और इससे चेक करेंगे कि कौन कौन से फंगिसाइड मिक्स इसके साथ में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी बोतल को चेक कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर इन सब गिलास में थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल लेंगे। और कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले एंट्राकोल फंगिसाइड को मिक्स करेंगे इस तरीके से, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप स्पून से लेकर के और कांच के गिलास में मिक्स करके 5 मिनट का वेट करेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन फटेगा या नहीं फटेगा, इसके साथ में कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो ये फर्स्ट गिलास में लिया है हमने एंट्राकोल फंगिसाइड, और सेकंड गिलास में घोल तैयार करेंगे मैकोबान सी फंगिसाइड, जिसमें कि सांप फंगिसाइड में भी सेम टेक्निकल आता है। तो इसको घोल लेंगे अच्छे से। दोस्तों स्पून मैंने एक ही यूज करी है, लेकिन मैं बीच बीच में इसको वॉश करती जा रही हूँ। मैंने अलग से मग में क्लीन वाटर लिया है और उसमें वॉश करके फिर मैं दूसरे गिलास में डिप कर रही हूँ, तो इसलिए आप कमेंट ना करें इस चीज़ के लिए मुझे। तो ये साफ फंगिसाइड या मैकोबैन सी फंगिसाइड को इसमें मिक्स कर लिया है। और अब थर्ड गिलास में कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे वो है ताकत फंगिसाइड का। तो ताकत फंगिसाइड को थोड़ा सा क्वांटिटी में लेंगे और उन्हीं की तरह सेम ही इसको भी मिक्स करेंगे, ये इस तरीके से थोड़ा सा डाल करके, एक अंदाजा होना चाहिए, थोड़े से अंदाजे से आप डाल लें और डाल करके अच्छे से मिक्स करें। और लास्ट फोर्थ ग्लास में यूज करेंगे कुप्रोफिक्स फंगिसाइड का। दोस्तों इसके साथ में कॉम्बिनेशन बहुत ही कम बैठता है क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट होता है, इसलिए। तो बायवार 303 ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन होगा या नहीं इसलिए कुप्रोफिक्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुप्रोफिक्स ब्लाइट के लिए बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। इस तरीके से कुप्रोफिक्स फंगिसाइड भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 5 मिनट तक कम से कम वेट करना है, बीच बीच में इसको मिक्स करते रहें और कम से कम 5 मिनट तक वेट जरूर करें। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सा घोल फटेगा या नहीं फटेगा। और जैसे जैसे मैंने ये गिलास है मेरे नंबर वाइज, वैसे वैसे ही मैंने ये कॉम्बिनेशन वाले फंगिसाइड रखे हैं। और मैनकोजेब फंगिसाइड मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि साफ में भी मैनकोजेब फंगिसाइड है। ये दोस्तों 5 मिनट तक मैंने वेट कर लिया, 5 की भी 6-7 मिनट हो चुकी हैं और ये सारे घोल मैंने चेक कर लिए, एक भी घोल इनमें से नहीं फटा है, बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। और एक एक को मैं आपको पास से दिखाती हूँ ताकि क्लियर मालूम हो सके कौन सा घोल कैसा है, कैसा बनता है। और बीच बीच में मैं स्पून को क्लीन करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने स्पून एक ही ली है। आप अगर ऐसे तरीके से चेक करें तो स्पून जितने भी अलग अलग गिलास हो उतनी अलग अलग स्पून ले लें। ये है मैकोबान सी फंगिसाइड, ये भी नहीं फटा है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहे हैं। तो ये घोल है दोस्तों बायवार 303 और एंट्राकोल का, जो कि बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है मैकोबान सी या साफ फंगिसाइड आप कह सकते हैं बायवार 303 के साथ में, ये भी आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे ये ताकत फंगिसाइड, इसका भी घोल बिल्कुल नहीं फटा है, बिल्कुल क्लीन है। ताकत और बायवार 303 को भी आप यूज कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन तैयार होगा। और जो सबसे ज़्यादा डाउट था मुझे वो भी दोस्तों, ये कुप्रोफिक्स फंगिसाइड का घोल है तो बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, इसके साथ में भी बायोवार 303 आप यूज कर सकते हैं और इसका भी घोल बिल्कुल नहीं फटा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ये ब्लाइट के लिए बहुत अच्छा फंगिसाइड है। तो ये सभी का घोल आप आराम से तैयार कर सकते हैं और एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी क्रॉप में थ्रिप्स का अटैक है या फिर पत्ते जैसे ऊंचे नीचे हो रहे हैं, नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं या ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी कि वायरस का अटैक है या इनिशियल स्टेज आपको लग रही है, आप पहचान पा रहे हैं, तो अपनी क्रॉप में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को जरूर ऐड करना चाहिए अपने कॉम्बिनेशन में और स्प्रे करना चाहिए।
तो इनके साथ में अब कॉम्बिनेशन तो ये फंगिसाइड वाला हो गया क्लीन की भाई आप सबके साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इनके साथ में स्टेप्रोसाइक्लिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी मैं इनके साथ में सभी के साथ में मिक्स कर रही हूँ ताकि क्लियर मालूम हो सके कि जब भी आपको ये सिचुएशन आए तो ये भी आप मिक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैंने सभी में स्टेप्रोसाइक्लिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल लिया और मिक्स कर लिया और सभी को अच्छे से घोल लिया है। और स्टेप्रोसाइक्लिन मिलाने के बाद में भी मैंने 5 मिनट तक वेट किया और आपको जैसा आप पास से देख पा रहे हैं कि सभी में आप ये जो 4-5 मैंने फंगिसाइड मिक्स किए हैं इन सब के साथ में आप स्टेप्रोसाइक्लिन मिला सकते हैं, BioR-303 मिला सकते हैं और अपनी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भी आपकी क्रॉप में कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से आपको लाइव में घोल तैयार करके दिखाऊंगी और बेझिझक आप अपनी क्रॉप में यूज कर पाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट कॉम्बिनेशन से मिलता है, किसान की समय की बचत होती है और एक साथ ही 2-3 तरीके के रिजल्ट अपने क्रॉप में ले सकता है। किसी भी टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।